नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर गुप्ता, आपका अपने YouTube चैनल धांसू फंडा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हाल में ही तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान का दौरा किया है। वहां उन्होंने पाकिस्तान के संयुक्त सदन को संबोधित किया और खूब तालियां पिटवाई। उन्होंने काफ़ी समय कश्मीर पर भारत को कोसने में लगाया। पाकिस्तान की तो बाँछें ही खिल गई। कश्मीर के मुद्दे पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान को आशा की एक नई किरण मिल गई। एर्दोगान को मुस्लिम दुनिया के सर्वमान्य नेता बनने का ताज़ा ताज़ा चस्का लग गया है। दुनिया में कहीं भी मुस्लिम समस्या देखी नहीं कि अपना पिछवाड़ा घुसेड़ दिया। जैसे किसी नाचने वाले ने कोई बारात का तंबू देखा नहीं तो अपना मुजरा शुरू कर दिया। अभी हाल में ही इस नाचने वाले राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के अफीमची प्रधानमंत्री को अपना तवलची रख लिया है। पिछले दिनों इसने चीन के उइघुर मुस्लिमों को लेकर उल्टा सीधा बोल दिया तो इसके लेने के देने पड़ गए। बाद में इसे अपने बयान से पीछे हटना पड़ा। सऊदी अरब से भी इसकी बनती नहीं है। असल में तुर्की OIC में सऊदी अरब की चौधराहट को ख़त्म करना चाहता है। दिसंबर 2019 में तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने मिलकर कुआलालंपुर में कुआलालंपुर समिट का आयोजन किया था। इस समिट में एक नए TV चैनल जो कि मुस्लिम पक्ष को सामने रखता, उसकी शुरुआत होनी थी। यह सीधा सीधा सऊदी अरब के नेतृत्व को चुनौती थी। सऊदी अरब की एक घुड़की पर न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान। टीवी चैनल शुरू करने का मुख्य शिल्पकार इमरान चर्सी समिट से फरार हो गया। लब्बो लुबाब यह है कि भिखमंगे पाकिस्तान को पैसा देने वाले दो देश चीन और सऊदी अरब, इन दोनों देशों से तुर्की गाहे बगाहे पंगा लेता रहता है पर पाकिस्तान को एक ढेला भी नहीं देता है। अक्टूबर 2019 में इस सिरफिरे राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने सीरिया के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपनी सींगे फंसा ली। ट्रंप तो ट्रंप ठहरे, इसने तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर ऐसी पटखनी दी कि तुर्की की मुद्रा लीरा की कीमत दो महीने में केवल एक तिहाई रह गई। इसके दिवालिया होने का खतरा हो गया। इसने अपने पांव सीरिया में वापस खींचे, तब कहीं जाके अमेरिका नरम पड़ा। तुर्की का अपने सारे पड़ोसियों से विवाद रहता है। इसके एक पड़ोसी साइप्रस के एक भाग पर तो इसने कब्जा कर रखा है। आर्मेनिया को तो यह अपने देश का हिस्सा ही मानता है। ग्रीस के साथ इसका काफ़ी बड़ा सीमा विवाद है। अपने ही देश में कुर्द मुस्लिमों को विद्रोह को यह टैंक और गनशिप हेलीकॉप्टर से कुचलकर नरसंहार करता है, वैसे ही जैसे पाकिस्तान बलूचिस्तान और KPK में करता है। एर्दोगान, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, यह मोदी है। इसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उसके ही देश में, उसके ही स्टेडियम में, उसके ही पक्ष और विपक्ष के कांग्रेस और सीनेट सदस्यों के सामने उसकी ही उंगली पकड़कर घुमा के चलाया है। मोदी सरकार बहुत गुस्से में है। पहले तो इसने तुर्की के दूतावास को डीमार्च थमाया है, अब विदेश मंत्री जयशंकर ने मोर्चा संभाला है। दुनिया के सारे मंचों पर इस पाखंडी देश की असलियत को उजागर किया जाएगा। इसके सताए देश ग्रीस, आर्मेनिया और साइप्रस की पूरी मदद की जाएगी। कुर्दों के नरसंहार को भी मानवाधिकार का मुद्दा बनाया जाएगा। नाटो के सदस्य देश को नाटो से बाहर निकालने पर भी विचार चल रहा है। इसकी यह सुरक्षा छतरी हटते ही इस पर आफत आ जाएगी। दूसरे की फटी में टांग अड़ाने वाले की खुद की फट जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए।